यहाँ पर चिन्हित भी किया है, यहाँ पर ये 2 किलोमीटर हो रहा है टोटल, ये यहाँ पर 2 किलोमीटर हुआ है, तो और 500 मीटर समथिंग और चलना अपने को। बस ये गेट से पहले आपका टर्न हो जाएगा, यहाँ 2.2 यहाँ टोकन मिलेगा आपको। यहाँ से आप देखो घाटी पे चढ़ना है मेरे को, बहुत एनर्जी लगेगी ऐसे में। नमस्कार साथियों, बड़वा में जिनका SSC का सेंटर है फिजिकल का, बहुत खास है उनके लिए वीडियो, क्योंकि आपने इस वीडियो को नहीं देखा ना तो आपकी रनिंग भले ही 22 मिनट में आ रही है तकलीफ आ सकती है आपको। क्या है वीडियो के अंदर, सबसे पहले आपको ग्राउंड के अंदर दौड़ाया जाएगा, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद दूसरा राउंड आपको 300 मीटर दौड़ना है, वहां से बाहर निकलना है, ये एग्जिट गेट रहेगा और यहीं से आपको दौड़ना है रोड पर। अब रोड पर भाई बहुत ही सोच समझ कर दौड़ना है, क्योंकि रोड पर है ना कई जगह पर घाटी है, कहीं पर ढलान है, फिर घाटी है, फिर ढलान है, तो कैसे करना है। तो भाई बस यहीं से आपको एग्जिट हो जाना है। अब रोड की जो रोड आपको दिख रहा है यहां से तो स्ट्रेट स्ट्रेट आ रहा है, यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कहीं पर घाटी आएगी और कहीं पर एकदम स्लोप आ जाएगा, आपको उतरना पड़ेगा। और टोकन भी आपको यहाँ पर 2.5 किलोमीटर के बाद टोकन मिलने वाला है। जहां मैं बताऊं आपको, देखो अभी यहाँ पर घाटी आ गई, थोड़ा स्लो कर भाई, स्लो कर थोड़ा स्लो चलने दे गाड़ी को। देखो अब ये यहाँ से उतार आ गया है, ये यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ढलान है, तो यहाँ पर आप अपनी पेस बढ़ा सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि बॉडी ग्रेविटी यूज करती है। जब ढलान होती है तो ऑटोमेटिकली पैर उठना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब इसके अपोजिट में आप आओगे ना तो तकलीफ बहुत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। तो यहाँ तक तो ढलान है, आप यहाँ तक आराम से, मैं इधर की लोकेशन भी बता रहा हूँ, देखो ये इधर आसपास आप लोकेशन देखते हुए वीडियो के अंदर इस तरीके से आप यहाँ पर रनिंग कर सकते हैं। अब ये यहाँ से, अब ये घाटी स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप, ये घाटी स्टार्ट है। अब घाटी पर आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और ये घाटी कहाँ तक जाएगी वो बता रहा हूँ मैं आपको। भाई जिसने अच्छी रनिंग करी है ना वही पास होगा, है ना, क्योंकि स्ट्रेट रनिंग और फ्लैट सरफेस होता, समतल होता है एकदम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पर चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, फिर उतरना है। देखो अब ये यहाँ से आपको खुद को दिख रहा होगा वीडियो में कि चढ़ाव स्टार्ट हो चुका है, तो चढ़ाव पे आपको थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो थोड़ा सा स्पीड आप नॉर्मल रखें, है ना, ज़्यादा स्पीड नहीं रखना है। और फिर ये एक जो पुलिस चौकी दिखेगी आपको यहाँ से, बस यहाँ से स्पीड आप फिर बढ़ा सकते हैं। देखो अब यहाँ तो कितनी घाटी है, ऊपर का तो दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो बड़वा में जिनका सेंटर है ना भाई, ये वीडियो जरूर देख लेना, अगर ये वीडियो नहीं देखा आपने तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम बन जाए। थोड़ा सा रोकना भाई, रोकना। किस तरीके से आपको घाटी पर दौड़ना है वो और बता देता हूँ मैं आपको, कि इस तरीके से आप दौड़ सकते हैं, मैं आप खुद को दौड़ रहा हूँ। मैं देखो कहाँ तक घाटी है, मैं कंप्लीट दौड़ रहा हूँ, बैठ जाओ। घाटी देखना भाई, आपके घाटी पे किस तरीके से दौड़ना है, मान लो आप घाटी पर दौड़ रहे हैं, चलने दे, तो ये यहां से यहां तक तो घाटी है, और मैं कंप्लीट ही बता रहा हूं कि एंड कहां तक होगा आपका दौड़ते हुए, तो घाटी पे दौड़ते हुए दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन चढ़ते हुए बड़ी परेशानी आनी है। कितना स्लोप रखा है, मतलब कि कई जगह पर डाउन आ गया है, अभी यहां पर डाउन आ रहा है बिल्कुल, ये खंबे का ध्यान रखें, जहां पर डाउन आता है वहां पर थोड़ा सा पेस इंक्रीज कर सकते हैं। देखो ये पेस ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, लेकिन इधर से जब मैं जाऊंगा ना मेरी सांसें फूल जाएगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। और यहाँ पर चिन्हित भी किया है, यहाँ पर ये 2 किलोमीटर हो रहा है टोटल, ये यहाँ पर 2 किलोमीटर हुआ है, तो और 500 मीटर समथिंग और चलना है अपने को। मुंह बंद करके आप ज्यादा से ज्यादा, तो ये वो रूट है जहां पर मैं आपको दौड़कर बता रहा हूँ भाई, खुद ही बता रहा हूँ इतनी धूप में। वीडियो को लाइक कर देना, इसलिए शेयर भी कर देना जितने भी बड़वा के अंदर सेंटर है जिनका। आर्मी के लिए न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है, नंबर है 9691007672। जींस में ही दौड़ना पड़ रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए। देखो फिर घाट अब चढ़ना है मेरे को, तो चढ़ते वक्त पेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अभी चढ़ रहा हूं मैं, फिर उतरूंगा, वहां से टर्न कर लेना जहां से टर्न है ना। यहीं से टर्न है, कर ले। देखो बस ये गेट से पहले आपका टर्न हो जाएगा,
यहाँ 2.3 यहाँ टोकन मिलेगा आपको। यहाँ से आप देखो घाटी पे चढ़ना है मेरे को, बहुत एनर्जी लगेगी ऐसे में, लेकिन यार जो होना चाहिए बंदे के अंदर दौड़ जाएगा, होपलेस नहीं कर रहा हूँ है ना। मैं तो ऐसी धूप में दौड़ जाऊं कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। अब घाट चारू होगा तो वो आते वक्त तो दिक्कत नहीं है, जाते वक्त है दिक्कत। देखो देख सकते हैं आप कितनी घाटी है नीचे, बिल्कुल ऊपर वाला तो रास्ता दिख नहीं रहा मेरे को, इतना हाइट हो गया ऐसे। फिर पेस भी मेंटेन करके रखना है वरना टाइमिंग में पहुंच नहीं पाओगे। देख भाई ये हाइट, फिर घाटी चढ़नी पड़ रही है। ये देख सकते हो आप घाट कितना नीचे, फिर से घाट आ गया, फिर चढ़ना है। तो जितना उतरने में एनर्जी लग रही थी उससे ज्यादा मुझे चढ़ने में लग रही है। इसके आगे का रूट मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ तुम लोग फेल हो गए ना। सर क्या था भाई ऐसे ऊपर नीचे चढ़ने में दिक्कत आई? जी सर इसमें प्रॉब्लम आई। हाँ इसमें प्रॉब्लम आई। हाँ सर तुम्हें? यस इसी में प्रॉब्लम आई। इसके आगे सर अंदर वाला है उसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम है सर, उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ कितना टाइमिंग आ रहा था तुम्हारा वहाँ पर? सर ग्राउंड पर यही आ रहा था सर 24:30। अगर ये ढलान नहीं होती, चढ़ाव नहीं होता तो सर टाइम से बड़े आराम से 30 मिनट में क्वालीफाई कर लेता सर। मतलब बड़वा वाला सेंटर डिफिकल्ट है या आसान? बहुत डिफिकल्ट। डराओ मत यार, डराओ मत, अगर सही तरीके से मैनेज किया तो जो स्टूडेंट आएगा वो खुद देख लेगा। बस ढलाओ पे और चढ़ाओ पे मैनेज कर लिया। बस मैंने ये वीडियो इसलिए भाई इतनी गर्मी में दौड़ के जींस में दौड़ कर बताया है कि आपको हिल रनिंग पर पेस कैसे मेंटेन करना है, जब हिल डाउन पे स्लोप में रहती है तो किस तरीके से आप ग्रेविटी का यूज करके रनिंग को और स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। पसीना बहुत बह रहा है, अंदर का आपको बता ही दिया सारे। अंदर कितना दौड़ना है तुम्हें? अंदर सर समथिंग इस साइड दौड़ना, वहां जाके 3 हो रहा है। ठीक है 3.4 ऐसा अंदर जाके दौड़ना है सर। अंदर जाके दौड़ना है 1.5 किलोमीटर। और लास्ट है एंड मतलब 1.5 किलोमीटर अंदर दौड़ना। फिनिश कैसे होगा लास्ट में? फिनिशिंग ग्राउंड पर होगा, ग्राउंड में चक्कर में फिनिश होगी 100 मीटर का। अच्छा टाइम बता रहे हैं आप वहां पर? टाइम लेकिन गलत बता रहा है हल्का। अनाउंसमेंट सर जो बाइक कर रही है वही अनाउंसमेंट है और कोई? बस भाई मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, पसीना बहुत निकल रहा है। बस कुछ नहीं चाहिए इस वीडियो पर, 1000 लाइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। कमेंट्स करके दिखाओ कि कैसा लगा आपको अनुभव वाला वीडियो, और अपने दोस्तों तक जिनका बड़वा में है ना सेंटर उनको जरूर शेयर कर देना। लव यू, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आर्मी की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, फिजिकल की नंबर है 9691007672। बोलो भारत माता की जय।